नमस्कार, न्यूज़ विंग टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं रफी समी। झारखंड के पतरातू में सोमवार रात अपराधी और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में जहां एटीएस के डीएसपी और सब इंस्पेक्टर घायल हो गए हैं, वहीं उनका इलाज रांची के मेदांता में चल रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक वे खतरे से बाहर है। वहीं इस घटना को देखते हुए हम कह सकते हैं प्रशासनिक महकमे भी पूरी तरह से एक्शन मोड में है। और इसी कड़ी में एटीएस और सीआईडी की टीम जो है वो पतरातू घटनास्थल पर पहुंची है, जहां जांच पड़ताल किया जा रहा है। किस तरह से हो रहा है जांच पड़ताल आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर। एटीएस की टीम है, सीआईडी की टीम है, और जहां पर मुठभेड़ हुई थी पुलिस और अपराधियों के बीच, गोलीबारी हुई थी पुलिस और अपराधियों के बीच, उस जगह को पूरी तरह से घेराबंदी कर दिया गया है और पूरे जांच पड़ताल में पुलिस लगी हुई है। क्या कुछ किया जा रहा है वहाँ पर और किस तरह से घटना में जाँच किया जा रहा है, खुद बताया है डीएसपी सीआईडी ने। घटना के बारे में जानकारी प्राप्त हुई हम लोग को, सीआईडी स्तर से जो है घटना स्थल का मुआयना कर हुआ है, साक्ष्य इकट्ठा किया जा रहा है, अपराधियों का पता किया जा रहा है। सीआईडी स्तर से जांच चल रही है, क्या घटना घटी, कैसे घटना घटी है, कितने लोग कौन कौन इन्वॉल्व इसमें है। वहीं अगर पूरे घटने की बात करें तो जिस तरह से जानकारी मिली है कि सोमवार रात जो है अपराधियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चल रहा था, जहां एटीएस की टीम, एटीएस के जो डीएसपी है जो घायल हुए वो और साथ ही कई जवान उस स्थान पर सर्च ऑपरेशन के मूड पे गए थे और अचानक अपराधियों ने इन पर ताबड़तोड़ गोली फायरिंग कर दी, जिस पर एटीएस के डीएसपी घायल हो गए और सब इंस्पेक्टर के पैर में चोट लगी और वो भी घायल हो गए। हालाँकि उनके इलाज जो है रांची के मेदांता में चल रहा है। एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि डॉक्टरों के मुताबिक वो खतरे से बाहर है, लेकिन जिस तरह से अपराधियों ने तांडव मचाया है इसे लेकर पूरा प्रशासनिक महकमा जो है वो अलर्ट नज़र आ रहा है। और साफ कहना है प्रशासनिक महकमे के अधिकारियों का कि अपराधियों को किसी भी सूरत पर बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, ये गुप्त सूचना के आधार पर एटीएस की टीम के द्वारा पतरातू क्षेत्र में जो है कुछ आपराधिक गिरोह के खिलाफ छापामारी की कार्रवाई की जा रही थी, और विगत 3-4 दिनों से झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में जो है खासकर जो संगठित आपराधिक गिरोह है उसके खिलाफ विशेष रूप से छापामारी की कार्रवाई चल रही है। और इसी क्रम में आज एटीएस को ये सूचना मिली थी, जिसमें ये स्पेशल टीम जो कि हमारे एटीएस के डीवाईएसपी नीरज उस टीम को लीड कर रहे थे, और उस टीम के खिलाफ एक अपराधकर्मी की सूचना थी और उसके खिलाफ रेड की जा रही थी। उसी क्रम में ये घटना हुई है, और जैसे ही ये छापामारी और इसकी कार्रवाई चल रही थी तो अपराधकर्मी के द्वारा जो है एटीएस टीम पर फायर किया गया था, जिसमें जो डीवाईएसपी नीरज है वो मुख्य रूप से, उन्हें गोली लगी पेट में, वो जख्मी हुए हैं। एक हमारे सब इंस्पेक्टर रामगढ़ जिला के हैं, उन्हें भी हल्की इंजरी इसमें आई है। दोनों को इमिजिएटली जो है अगर अगले मेडिकल का ट्रीटमेंट के लिए जो है रांची लाया गया है, और अभी दोनों में कंडीशन स्टेबल है। आगे की जो कार्रवाई है वो डॉक्टर्स के द्वारा की जा रही है, साथ साथ जो हमारा ये अभियान है वो अभियान भी जारी है, और जो भी अपराधकर्मी इसमें शामिल है उनके खिलाफ एटीएस और जिला पुलिस के द्वारा जो है कार्रवाई की जा रही है। आसपास के जिलों को भी अलर्ट किया गया है। देखिए, ये लगातार कार्रवाई चल रही है, और ऐसा नहीं है कि कोई ये है आज की, चूँकि ये घटना हुई है, हमारे जितने भी संबंधित ज़िले हैं उनको पूर्व से ही वहाँ पे भी कार्रवाई चल रही थी, और लगातार इन गिरोहों के खिलाफ जो है ये कार्रवाई ऐसे ही जारी रहेगी। ये स्पष्ट सरकार का और हमारे डीजीपी महोदय का भी ये स्पष्ट दिशा निर्देश रहा है, और उसी के तहत पुलिस महानिदेशक महोदय के ओवरऑल नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई की जा रही है, और एटीएस के साथ साथ जिला बल इसको इस पूरी कार्रवाई में शामिल है, और एटीएस पूरी इस कार्रवाई को लीड कर रहा है। और निश्चित रूप से झारखंड पुलिस के द्वारा जिस तरीके से नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है उसी तरीके से संगठित अपराध के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है,
और जब तक ये गिरोह पूर्ण रूप से खत्म नहीं होते ये कार्रवाई आगे इसी तरह से चलती रहेगी। वहीं जो जानकारी मिली है कि अमन साव जो गैंगस्टर है और रांची के बिरसा मुंडा जेल में अभी सजा काट रहे हैं, उनके ये गुर्गे थे, उनके गुर्गे के द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि इससे पहले भी कई तरह के बातें सामने आ रही थी, कई तरह के जो रंगदारी मांगने की बात अमन गिरोह के तरफ से आ रहे थे उस पर भी पुलिस एक्शन में थी, लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पुलिस के एक्शन को पीछे करते हुए अपराधियों ने जिस तरह से पुलिस अधिकारियों पर ताबड़तोड़ गोली चलाई है, ये प्रशासनिक महकमे के कार्यशैली और प्रशासनिक महकमे के एक्शन पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। बहरहाल अगर हम बात करें तो फिलहाल जिस तरह से ATS के DSP घायल हुए हैं, सब इंस्पेक्टर घायल हुए हैं और जिस तरह से मुठभेड़ हुई उस घटनास्थल पर CID और ATS की टीम पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है। देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले पर गोली चलाने वाले अपराधी को कब तक गिरफ्तार किया जाता है। सहयोगी नूतन के साथ रफी समी, रांची। टफन XT600 HCR TMT रिबा। पहले भी बोला था अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।